जितेश भाई हाँ क्या लिखा हुआ रहा है अभी देखो ये कुलदरा आ गया तो कुछ ही दूरी पर है कुलदरा 100-200 मीटर की दूरी पर है। ये देखो यहाँ पे लोगों ने लिख भी रखा है भूत वगैरह। ये देखो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ये कुलदरा कुलदरा ना देखो वहाँ साइन बोर्ड पर जैसे लिख रहा है भूत वगैरह मतलब यूँ यहाँ पे मतलब बहुत डरावनी जगह है। अब देखते देखा आगे क्या है। चलो जितेश भाई चलते हैं है ना। जितेश भाई अपनी कार के नीचे आके सांप ही मर गया। नहीं पता नहीं आप सुकून ने क्या है। अब यहाँ पे देखो वो क्या पता ये वो दोस्तों हमारी कार के नीचे आके ये सांप शायद मर गया है। आप सुकून भी हो सकते हैं कोई एक सुकून दिल जाता हो तो क्या पता मना करता हो वहां जाने से। ये गेट है अंदर जाने का। चलो जीस भाई बाहर। दोस्तों काफी डरावना पेड़ है। दोस्तों इस पेड़ को देखकर मुझे ऐसा डर लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज फील हो रही हो कि यहाँ पर कोई है ऐसा। जितेश भाई जितेश भाई यार वहां पर एक सामने एक समाधि बैठी हूँ वहां पर कोई आवाज आ रही रोने की। इधर पे चलो समाधि सामने इधर भी कुछ रोने की आवाज आ रही मुझे ऐसा लगता है। कहाँ? उधर एक पेड़ के पास में। क्या बात कर रहे हो? प्लीज यार जितेश भाई हेल्प मी यार आपसे रिक्वेस्ट। सबको खड़ा करो ना यार। यार महेंद्र भाई ये बात चलो जल्दी प्लीज बाहर आओ जितेश भाई बाहर चलो। जल्दी जल्दी एक कार में मैं जान रखता हूँ कार का। एक कार में चाहिए। अरे कार छोड़ो जितेश भाई सब सपोर्ट चाहिए भाई यहाँ पर चलते हैं। या कार छोड़ो कोई कार जाएगी कोई दिक्कत नहीं हमारे कुछ नहीं होना चाहिए। आप आओ अंदर भाई। वो मैं वो दिलीप भाई वो गाड़ी की लॉक करो उसे की वो बटन बंद करो गाड़ी स्टार्ट है। क्या इधर आवाज आ रही इधर इधर आवाज आ रही इधर आओ यार आवाज इधर से आवाज आ रही थी कुछ यार। भाई मंदिर अंदर की तरफ देखना क्या बैठ रही है। चुप रहो भाई देखना खतरनाक है रे है ना। कभी भाई इधर आओ बहुत खतरनाक है यार देखो ना इधर आना। कभी भाई प्लीज कैमरा पकड़ो ये कहाँ से
हिंदे भाई आप थोड़ा करंट दिल्ली भाई दोस्तों क्या बताऊँ मैं आपको, ये लोकेशन मैं विजिट कर रहा हूँ, आपके कुछ आवाज़ आई है शोर जैसी, पता नहीं किसकी है, हम देखते हैं। चलो नींद में मत रहना बिल्कुल ही। हाँ देखा वो आराम से आगे देखता कबीर भाई, आप लाइट से देख रहे हो क्या? हाँ सेट तेरी खाई है तो खाई लग रही है और पानी लग रही है इधर वो क्या है सुसा पानी 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 आवाज आ रही है हाँ सारे पाल पक्षी के पक्षी बोल रहे हैं ये पूरा फुल पानी नहीं है पानी का तालाब अभी आवाज आई थी पहले नहीं नजर तो कुछ नहीं है पर आवाज बहुत आ रही है दिल्ली भाई का कुछ दिल्ली भाई है आवाज आ रही ये जाने की आवाज अच्छा पक्षी है यार ये कुंडरा इतना मोस्ट हॉन्टेड पहले से फिर यार अंदर जाने के लिए दोस्तों अंदर जाने के लिए इन्होंने गेट बंद कर रखी है हम प्लान बना रहे हैं अंदर से ऊपर से गिर कूद कर जाने की कोशिश करते हैं देखते हैं कार साहब को आवाज़ लगाते हैं हमें अंदर जाके आना होगा क्या मैं
इधर भाई उधर उधर आवाज है तो आई लेकिन पक्षी भी लगी। कार साहब को मैं जगाता हूँ, कार साहब को मैं बुलाता हूँ, कोशिश करके ठीक है। दोस्तों मैं एक बार कैमरा रोक रहा हूँ इसी वक्त, कार साहब को जगाने की कोशिश करते हैं, रास्ता ढूंढते जब तक लिए क्या ना करो। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। जितेश भाई एक बार ये जो कूलदरा जो मोस्ट हॉन्टेड पहले जगह है सारे, या कैमरा घुमा के दिखा दो इन लोगों को कि हम आज कहाँ हैं। कहते हैं कि यहाँ पर हर खिड़की के अंदर भूत निकल के मुंह देखता है, वो देखता है, एक्टिविटी होती है सारे जगह पर, या आना बहुत रिस्की होता है। ये हमारे साथ कुछ विजिटर भी हैं, विजिटर भी हैं, काफी दूर से भी आए हुए हैं, जो गुजरात से, गुजरात से आए हुए हैं, जो यहाँ पर भूत की एक लोकेशन देखने के लिए। तो जितेश भाई घुमा लिया कैमरा, लोकेशन तो हो गया, कुछ कुछ अंदर जाके कुछ बातें भी कर लेते हैं। ठीक ठीक है ना। तो कपिल भाई जितेश भाई सॉरी, क्योंकि आपको मैंने पूरी रात डिस्टर्ब कर दिया है, 2 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक मैंने आपको उत्सव करके लेके आया, कूलदरा। मुझे इतने कमिटमेंट मिल रहे थे पब्लिक को, माय दिस टीम तेरे में दम है, तू जाके बता कूलदरा। तो रात को अपन ने क्या किया जितेश भाई, आप क्या कहना चाहते हो? मेरे इतनी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, दोस्तों सुनना ध्यान से। मैं सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि रात को हम तकरीबन 2 बजे के समथिंग यहाँ पे, दो बज रहे हो गए ना, बिल्कुल 2 बजे, 2 बजे के समथिंग हम यहाँ पे आ गए थे। आगे कूलदरा जो जहाँ से एंटर होता है वहाँ पे गेट है जहाँ से सबकी एंट्री होती है, तो रात को तो ये वहाँ पे एंट्री बंद रखते हैं, फिर भी हम ऐसे कूद के आए हैं अंदर से होके। पर हमने LED वगैरह कुछ जलाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की वो रहती एक्टिविटी, भाई पुलिस कहीं कुछ कर नहीं दे, इसलिए हमने रात को शूट तो नहीं किया। बाकी हम रात को पूरा विजिट करके गए अंदर, 1 घंटे तक रहे होंगे सब, बिल्कुल 1 घंटे तक रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बोल रहे हैं सब जने कि ये एशिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह है, ऐसी भूतिया जगह है, यहाँ कोई नहीं जा सकता, कूलदरा ऐसा है, कूलदरा वैसा है। यहाँ पे हमने 1% की कुछ एक्टिविटी नहीं देखी है, ये सब पागल बनाने की जगह है, सब पागल बनाने की बातें हैं। बिल्कुल जितेश भाई। और उसके बाद भी बाहर एक टिकट लगा रखे हैं कि जो भी अंदर जा रहा है वो 50 रुपये गाड़ी के, उसके साथ पर पर्सन के 20 रुपये और एक्स्ट्रा। फिर हमने गार्ड साहब से भी बातें की, वहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे,
कि गार्ड साहब ये अंदर कैमरा वगैरह क्यों नहीं लेने लेके जाना देते हैं, कैमरे का क्या सीन है? तो कैमरा उन्होंने बताया कि भाई साहब अगर आप कैमरा लेके जाओगे रात को शूट करके लोगों को दिखाओगे कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आएंगे कौन? तो हमारे दिए धंधा ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कुलदरा का ये मेरे को तो कुछ नहीं लगा, 100% फेक है, 100% फेक है। दोस्तों कभी देखो बड़े बड़े लेवल की बात करता हूँ मैं, एक एक साइन कर दिया ये हॉन्टेड पैलेस साबित हो गई, कुछ नहीं है। अपनी शमशान घाट जाते हैं जितेश भाई, मेरे शमशान घाट के अंदर आए ये भी वहाँ, मैंने आपके कमेंट में देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट देखता हूँ आपके वीडियो में कि यार ऐसा है तू तो कुलदरा जाके बता दे, ऐसा है तेरे अगर पावर है तो कुलदरा जाके बता दे। अरे भाई साहब जो आदमी शमशान पे जा सकता है कुलदरा क्या चीज है उसके सामने? और मैं बोल रहा हूँ आपको 5 साल का बच्चा भी इस कुलदरा में रात को आके चला जाएगा, ना तो यहाँ पे कुछ डर लगता है ना कुछ चीज है, यहाँ सबसे फेल जगह है। थैंक्स आपकी जो आपने ये दिल से बात की। दोस्तों हम दिल से बता रहे हैं कि रात को विजिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो बता दिया आपको इन्होंने क्या हुआ। अब मैं घुमा देता हूँ, ये कुलदरा कुछ नहीं, ये ऐसे ही इन्होंने जानबूझकर इसे बनाया। अरे एक ये कुलदरा एक जगह थी, यहाँ पे कुछ प्राचीन ऐसी चल रही है गाथाएं कि यहाँ पे एक लड़की थी 18 साल की, उससे कोई राजा महाराजा के दरबार में कुछ सामान था जो उससे शादी करना चाहता था, और उसकी थोड़ी जाति अलग थी इसलिए वो शादी नहीं कर पाया, और फिर उसने क्या किया कि ये पूरा जो कुलदरा का कस्बा है उस पर उसने कर जैसे आजकल बोलते टैक्स, तो उसने टैक्स बढ़ा दिया ज्यादा। तो फिर उसे क्या हुआ कि लोगों ने घबरा के कि भाई हमारी लड़की है, तो लड़की की इज्जत के लिए उन्होंने क्या किया, ये रातों रात ये पूरा कस्बा छोड़ दिया। तो लोगों ने क्या किया, अब उस बात को कन्वर्ट कर दिया भूत में कि यहाँ पे कुछ ऐसा था भूत, जो वो भूत देख के ये सब जो ना रातों रात गायब हो गए, उसको ऐसा कुछ नहीं था, ये गाँव वो छोड़ के गए थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, इसको छोड़ दिया और इसको साइन करके इसमें बदल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलते देख एक बार अंदर, चलते जीतेश भाई कभी कोई आराम से, ये क्या है अंदर क्या बने हुए? तो ये नया लग रहा है सरकार ने बनाया हुआ, देखो जीतेश भाई गेट पर जा, कोई एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। अरे यार तो डरने देने जगह क्या बनाते हैं, कुछ नहीं है ना? अरे कुछ नहीं है तो हमारे दोस्तों भले नाराज होना मत, आपके कमेंटमेंट से मेरे कितना तेल जल गया दिदेश भाई, पेट्रोल इधर ही, पेट्रोल कितना जल गया, कितना नुकसान हो गया? हम तकरीबन देख लो आप 700 प्लस तो हम आ चुके हैं, अब 700 प्लस वापस हमको जाना है। देखने का तो यहाँ पे कुछ है नहीं, हॉन्टेड जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, रात को आंखें फोड़ी वो एक और अलग, वो अलग कुछ यहाँ पे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इससे ज्यादा हमारा शमशान पे जाए वगैरह जो अच्छी चीज है, यहाँ पे क्या हॉन्टेड मतलब हॉन्टेड नाम से लोगों को पागल बना रहे हो, पागल बना। दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि आप कमेंटमेंट करते हो, माई रिश्ती में एक ऐसी जो बना रखी हमने, मतलब आपके लिए सच्ची बातें और एक ब्रांड बना रखी मैंने, या इस अगर आप इतने कमेंट करते हो दोस्तों, किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी को गरीब के लिए कपड़ा दिलाना, सर्दी आ गई तो मैं ये 7-10 हज़ार का जो खर्चा हुआ ना उनको दे देता मैं, जितेश भाई सही ना? सही बात, ये पेट्रोल फूक गया मैं पूरी रात और कुछ नहीं मिला हमें, और थोड़ी सी हम और बता देते दोस्तों, और हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बकवास लोकेशन है, और मुझे कभी आज के बाद भानगढ़ की भी कोई कमेंट। अरे युधिष्ठिर भाई आए थे मेरे पास कर यार जितेश भाई वहाँ पे जाना है कुलदरा, यार मेरे इतने कमेंट आते हैं कि यार वहाँ कोई नहीं जा सकता, एशिया की मोस्ट ये हॉन्टेड जगह है ना, ऐसा है ना वैसा है नहीं, मेरे को चलते मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो अपना पेट्रोल खर्च किया वो भी आपको महंगा पड़ गया। महंगा क्या है, मैं किसी गरीब को डालता दोस्तों, मैं मेरे बहुत दिल दुख रहा है यहाँ आने के बाद दोस्तों, कपिल भाई वगैरह सारे इतने सारा खर्चा उठाया, बहुत कम से कम अभी हमें जाएंगे जब तक 20,000 खर्चा होगा दोस्तों, अभी क्या बोलूं मैं, लेकिन दोस्तों ये किसी गरीब को दिलाना चाहिए। आप कमेंट ऐसा करो कि माय रिश्ते में सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को, ऐसे मत करोगे आप ही। हाँ भाई आप ऐसे कमेंट करते हो ये क्या है, ऐसे में आप में पावर हो तो कुलदरा जाके बताओ ना, वहाँ जाके बताओ ना, वहाँ जाके बताओ, मैं आपको 10,000 पर पर्सन देता हूँ आपको, शमशान पे जाके बताओ 12 बजे, मैं ये इनको युधिष्ठिर भाई भी छोड़ो, मैं देता हूँ मेरा नंबर आपको, मैं कमेंट में दे दूंगा, अगर आपको कोई शमशान में 12 बजे जाके बताता है अकेला मेरे से लेना आप ऐसे, इसमें बहुत पावर चाहिए भाई साहब, आपको रूबरू कराते हैं हम प्रेत आत्माओं से, जगहों से ज्यादा बात भी नहीं करते, और जल्दी देख लेकर विजिट करते हैं। कभी भाई आ जाओ, ये मोनी पुली के लिए सब भी है सब, ये जो मिट्टी लिप रखी है, आप आओ आओ ऊपर आओ ऊपर आओ,
एक बार कपिल भाई ये मंदिर भी दिखा देना। जी सर। जहाँ मंदिर होता है वहाँ पे भूत होते हैं क्या? पागल बना रहे लोगों ये। और एक बार ये बता देना तो रातों रात जो लोग छोड़ के गए थे ना कस्बा, यहाँ ये कस्बा का पूरा भी बता दो कपिल भाई। हाँ, ये कुलदरा के मतलब जो घर बने हुए थे रातों रात लोगों ने, हाँ लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया था रातों रात। कुछ नहीं है कमल भाई, चलते हैं यहाँ पर ज़्यादा बातें करते हैं। नहीं जाते वो भी कैमरा डाल रहा मेरे सामने। इतनी शानदार जगह यहाँ पर मकान बनाए हुए, गरीब हो गए यार, पागल बना रहे हैं ऐसे। कपिल भाई आप ही देख रहे हो, महेंद्र भाई आप ही देख रहे हो, दिलीप भाई आप ही देख रहे हो, जितेश भाई आप ही देख रहे हो। कितने घर होंगे टोटल यहाँ पर? 150-200 से ज्यादा होंगे। तो उनके क्या उधर नीचे बनाने की वो फर्श नहीं थी क्या? चलो फर्श साहब, एक बार एक बात थोड़ी सी अलग रही। ठीक है, जैसे मकान बने हुए हैं, ठीक है, इतने मकान बन रहे हैं यहाँ, उस समय की आप देख लो टेक्नोलॉजी के, वो अगर वो दीवार बना सकते हैं चारों तरफ तो क्या वो छत नहीं बना सकते हैं क्या? छत बना सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं है जो छत के ऊपर जो क्या बोलते हैं वो, ये टांग रखने के लिए क्या बोलते हैं? हाँ, वो लकड़ा, लकड़ा आता है वो भाई, लकड़ा होता है, लकड़े लगने के बाद गेट तो लगता होगा ना? बिल्कुल लगता है। वही कहा है? अरे कुछ नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये मतलब एक बना दिया है मनगढ़ंत की हॉन्टेड हॉन्टेड हॉन्टेड। और सबसे भूतिया, सबसे भूतिया क्या भूतिया, आप बोलोगे भानगढ़ जाना, हम भानगढ़ जाके भी आपको दिखा देंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, भानगढ़ में नहीं जाऊंगा बढ़िया। मुझे ये क्या, आपके आपने जो तंग किया ना इनको, युधिष्ठिर भाई को, कुलदरा जाके बताओ, कुलदरा जाके बताओ, इसलिए उन्होंने स्पेशल ये यहाँ पे अपना पेट्रोल खर्च करके यहाँ पे। आप तो मैं गरीब में डालूंगा पैसे, नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई कमेंट नहीं। आप भानगढ़ के जिसके दम में वही देखते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी जितनी गरीबी है हम वही दिखा रहे हैं। कभी चलते हैं, जब तक वीडियो लंबी नहीं करें तब आधा बड़ी भी नहीं कर सकते। चलो चल भाई, युधिष्ठिर भाई किधर से निकलते हैं? इधर होके निकलते, इधर भी। अरे वो गार्ड साहब ने बात कर दी थी रात को। अरे भाई साहब, हम यहाँ पे कैमरे वगैरह अलाउ करेंगे तो हमारे तरफ इनकम भी बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। और हमने डर बना रखा है कि यहाँ पे भूत है, डर बना रखा भूत है। कुछ नहीं है सारे पत्थर के सेम टू सेम नहीं आ रहा है। अब ये तो अभी का लग रहा है, ये दिखा दो कपिल भाई। हाँ, अभी का लग रहा है, पाइपिंग वगैरह। चलो कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं देख लिया, चलो कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, देख लिया है अस्थि मंदिर में, वहाँ भगवान को हाथ जोड़ के चलो क्या अपनी वीडियो की वीडियो भी समाप्त करते हैं। चलो चलते हैं ना, जल्दी देख लेते हैं। तभी तो मैं आया हूँ आपके साथ। रात को अंदर आए, एक मतलब चिड़िया की आवाज भी नहीं सुनी। ये और देख लेते क्या चीजें आ गई।
इस घर के अंदर छत नहीं है। इस घर के अंदर छत मिली है, ये मकान उसमें से एक मकान ही हो मान लो, हो सकता जैसे भाई ना, भाई ये मकान आपको एक मिला है, दोस्तों अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, वीडियो को ये समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बाय बाय, कुछ अगर मिल गया तो हम वीडियो शूट करेंगे, जब तक के लिए कैमरा बंद कर देते हैं।